गाइस कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया होंगे। गाइस आज का प्लान कुछ ऐसा है, आज हम पहले हम लोग को जाना है करण नगर बाइक की ब्रेक ठीक करवाने। आगे वाली ब्रेक पूरी ख़राब हो गई इसकी, आज उसी का देखेंगे उसका क्या हुआ है, शायद शूज़ ख़राब हो गए हैं। गाइस पहले चलते हैं करण नगर, इधर से थोड़ा ही दूर करण नगर है। गाइस कल का व्लॉग लेट आया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ कि वो बहुत बड़ा व्लॉग था और कल पूरा हालात ख़राब हो गई थी। अभी हम चलते हैं करण नगर। इस करण नगर के बाद हम जाएंगे KTM शोरूम जाएंगे, अगर टाइम रहा तो जाएंगे KTM शोरूम, अगर नहीं रहा तो फिर कल जाएंगे। ऐसे कल भी ऐसा ही हुआ, कल भी नहीं जा पाए, परसों भी ऐसे ही हुआ, हम परसों भी नहीं जा पाए। अब देखेंगे अगर आज टाइम रहा तो जाएंगे, अगर नहीं रहा तो फिर करेंगे बाइक का ही कुछ ठीक, बाइक का काम वाम करेंगे। अगर टाइम नहीं रहा फिर हम कल जाएंगे अच्छे से, कल या परसों जाएंगे फिर। हम फिलहाल चलते हैं, रेड सिग्नल है, कोई रुकता ही नहीं है सिग्नल पे। इसके बाद हमें फ़ोन वाले के पास भी जाना है, वहाँ पर फ़ोन ठीक करवाने लें, ठीक फ़ोन का डिस्प्ले टूट गया था वो भी ठीक करवाना है। हम चलते, देखो कैसे चलते हैं ये लोग, इन लोगों को पता ही नहीं है चलने की, बस इतना इन लोगों को पता है हमें गाड़ी चलानी है, ये नहीं पता है राइट साइड से मतलब कोई होगा, लेफ्ट साइड से मतलब कोई होगा। गाइस आगे वाली ब्रेक पूरी काम ही नहीं कर रही है, पूरी ऐसे अगर ब्रेक भी देंगे तो भी चलती है। देखेंगे करेंगे इसका भी कुछ, गाइस कल का व्लॉग बहुत बड़ा आ गया था। चलो ना जल्दी से करते हो तो, भैया ब्रेक ही नहीं काम कर रही है, क्या करूं। गाइस अभी टुकड़े टुकड़े बचे हैं वरना टूट जाते हैं इससे। गाइस मिलते हैं आपसे आगे करण नगर में। गाइस करण नगर पे हम पहुंच गए, यहाँ पर पता ही नहीं क्या है, शायद बेमर पकड़ रहे हैं कि क्या है। गाइस मुझे उस साइड से जाना है, पता ही नहीं वहाँ से जाने दे रहे हैं कि नहीं। भैया इधर से नहीं जा सकते। हाँ गाइस बोल रहे हैं वहाँ की जगह है,
मुझे लगा गाइस यहाँ से छोड़ ही नहीं रहा है, वहाँ ये मोड़ रहा है वापस ही, इसलिए मैंने पहले पूछा। इस कहाँ गया ये गाइस, चलिए जाते हैं इसके पास, दिखाते हैं इसको बाइक बाइक बोलते हैं क्या हुआ इसे। ओके वाली ब्रेक और स्टैंड की स्प्रिंग फिर पता ही नहीं गिर गई खुद ही। तो गाइस दिखाते हैं उसको बाइक खराब से। गाइस बोल रहा है इसको पूरी किट चेंज करनी है, ये वाली इसकी ब्रेक की और साइड स्टैंड का पूरा स्टैंड चेंज करना है, बोल रहा है कल आना फिर मैं कल चेंज करके दूंगा। फिर गाइस चलते हैं इसके पास अब कल। गाइस मैं लाहौल चौक से घर निकल गया, यहीं से थोड़ी सी राइड करेंगे फिर वहीं से घर निकल जाएंगे। गाइस अब देखते हैं KTM शोरूम जाएंगे कि नहीं। चलिए निकलते हैं साइड से फिर यहाँ से घर जाएंगे। लहर यहाँ पर सिग्नल भरते हुए सिग्नल पे फिर जाते हैं। नहीं अब यहाँ से रास्ता होना चाहिए, नहीं गाइस वहाँ से रास्ता नहीं है, आप वहाँ से घूम के आना है। गाइस आप वहाँ से घूम के आना पड़ेगा। शायद है यू टर्न, ये रहा यहाँ पर है यू टर्न। अरे जरा चलो जल्दी से,
पटमा लोग पहुंच गए। जाएंगे गाइस, साइड स्टैंड पूरा टूट गया है। आप कल आएंगे फिर करेंगे इसको ठीक, कल या परसों आएंगे। अब गाइस टाइम नहीं है, ट्यूशन स्कूल जाते हैं, फिर स्कूल के बाद ट्यूशन जाते हैं, उसके बाद टाइम ही नहीं रहता है। ये बोलता है तुम्हारा 2-3 बजे 11 बजे आना, फिर बाइक रखना इधर ही, 11 बजे टाइम ही नहीं है। अगर कल रहा टाइम तो, अगर स्कूल कल नहीं गए तो फिर जाएंगे इसके पास 11 बजे। गाइस गर्मी बहुत है, कहाँ से चल रहे हो, दिमाग कितना खराब है। बीच में बैठा है, रहा चलो जल्दी से। ड्यूक में लूंगा या सेकेंड हैंड या न्यू ही, मगर लूंगा ड्यूक 2-3 दिनों में। इस बाइक को सेल करेंगे, बुलाएंगे अच्छी सी बाइक है, इस पर अच्छे ब्लॉग्स बनेंगे। गाइस भाई बोल रहा था RS लाएंगे, क्योंकि ड्यूक थी ऑलरेडी वो, तो गाइस तेज चलते थे इसलिए घर वालों ने भेज दी। राइड ड्राइविंग करते थे उस बाइक पे, घर वालों ने बोला नहीं ये नहीं रखनी है। अब पापा को और भाई को मनाया बाइक के लिए, उन लोगों ने माना। अगर गाइस मम्मा बोल रही है नहीं लानी है बाइक, यही ठीक है, ये ज़्यादा इसका ज़्यादा पिकअप नहीं है। अब मम्मा को भी मनाएंगे, थोड़ा सा तो उसने माना, मनाएंगे उसको भी। फिर गाइस हम बाइक लाएंगे, आएगा मज़ा राइड करने में। इस पर भी मज़ा है बहुत, इस पर इतना कंफर्टेबल नहीं है, इस
पे थक जाते हैं इस बाइक पे। और इसमें कंट्रोल भी उतना अच्छा नहीं है, तेज चलेंगे कंट्रोल नहीं होगी, क्या फ़ायदा है तेज चलना उसका। अगर ड्यूक में तेज़ भी चलते हैं तो कंट्रोल है उसमें बहुत। गाइस मीटर का भूल गया, मीटर ठीक करवाना था वो भूल गया वहाँ पर, इसको मीटर का बोलना था वहाँ पर भूल गया, वहाँ पहुँच के भूल गया मीटर का। गाइस मैंने मीटर का बोला ही नहीं, इसका बोला इंजन, इसका बोला सबका बोला, मगर मीटर का भूल गया बोलना। गाइस कल जाएंगे उसी वक्त बोलेंगे उसको मीटर का। रॉयल एनफील्ड कैसे चलते हैं ये लोग, कैसे निकलते हो इस देखने के बिना चलते हैं सारे लोग। हाँ वो साइड रो गए, मुझे ब्रेक नहीं है इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे ही चल रहा हूँ। मेरा गाइस ब्रेक टाइट होती इनको मैं दिखाता। इधर लगाएंगे साइड में, फिर फ़ोन वाले के पास जाएंगे, उसको फ़ोन दिखाएंगे। गाइस फ़ोन वोन दिखा के आपसे मिलते हैं। तो गाइस फाइनली फ़ोन भी डाल दिया फ़ोन वाले के पास, उसने बोला 2-3 दिन के बाद है ना, इसके पास भी जाएंगे 2-3 दिन के बाद। मैंने वो बाइक वहाँ से साइड से लगाई है, यहाँ से बहुत सारा ट्रैफिक जैम था, मैंने लगा दी उस साइड से। गाइस चलते हैं अभी बाइक के पास। ऐसे पता ही नहीं लोगों को क्या हुआ, शायद आंखें बंद करके गाड़ी चलाते हैं। ऐसे चलते हैं बाइक के पास, फिर बाइक के पास गाइस हम घर भी पहुंच गए। तो गाइस आज के इस व्लॉग में इतना ही, आज भी लेट हो गया, आज भी KTM शोरूम नहीं जा पाए। तो गाइस आज के इस व्लॉग में इतना ही, अगर आपको किसी भी रीज़न से मेरा व्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट करना। तो मिलते हैं अगले किसी व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।